पर यहाँ पर सभी उपस्थित सभी विप्रबंधु इस कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय श्री डॉक्टर एम एल रावत जी व संगठन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश संयोजक हैं। इसी क्रम में हमारे प्रदेश महामंत्री पचौरी यहाँ उपस्थित हैं, अवनीश उपाध्याय जी यह सभी पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के। यहाँ पर उपस्थित बड़े भाई श्री सतप्रकाश सारस्वत जी, आलोक वाटे जी, हमारे वरिष्ठ कवि ब्राह्मण श्रोमणि प्रभुदास दीक्षित जी, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के जिलाध्यक्ष परमारणी श्री शैलेश शर्मा जी, बड़े भाई प्रेम सारस्वत जी, यहाँ पर उपस्थित अपर कृषि जिलाधिकारी डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी, उपस्थित यहाँ पर डॉक्टर एस सी शर्मा, प्रदेश सेक्टर मंत्री, हमारे वयोवृद्ध एवं युवा एस बी उपाध्याय जी, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष गौड़ साहब अजय गौड़ साहब जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी मित्रों को इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित। आज यह कार्यक्रम हवन के साथ आयोजित किया गया, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लिया, मैं आपको तहे दिल से सभी का धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम में आपने उपस्थित होकर के जो आज समय की जो शोभा बढ़ाई है, यह बड़े मेरे लिए सौभाग्य की बात है। गत वर्ष भी अक्षय तृतीया का जन्मोत्सव कार्यक्रम भगवान परशुराम जी का, उससे पहले यहाँ मनाया गया था विद्यालय पे, गत वर्ष जिला कार्यालय पे हमारे शर्मा जी के यहाँ अभिषेक हुआ था भगवान परशुराम जी का, और हवन डॉक्टर साहब के हमारे रावत जी के यहाँ विद्यालय में हुआ था। इस तरह से लगातार कई वर्षों से जन्मदिन का यह कार्यक्रम जारी रहता है, यह सभी के सहयोग से और सभी की भावनाओं के साथ पूरा सम्मान रखा जाता है और यह कार्यक्रम सुचारू रूप से होता है। अब इसी क्रम में मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे संरक्षक श्री डॉक्टर एम एल रावत जी से कहूँगा कि वो अपनी बात संक्षेप में बताएं। हेलो, आज हमारे आर एस पब्लिक स्कूल हमारे सारस्वत के प्रांगण में ये अक्षय तृतीया कार्यक्रम, जो हमारे भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव बहुत ही धाम से पूर्व विभाग मनाया गया, जिसमें उपस्थित हमें सभी मंत्री एवं मेरे साथी मातृशक्ति सभी को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हम लोगों को विप्र बंधुओं एक एक शुभ कार्य को बढ़ाने के लिए ये समझने हैं कि आज के दिन हमारे जो विप्रों की मसीहा हमारे भगवान जी का जन्म उत्सव रहा, उसको हम लोग मनाते हैं। क्योंकि ये क्यों मनाया जाता है, हर जाति में हर लोग अपने अपने जो जिनको इस मानता है उनके हमेशा जन्मदिन से लेकर सभी लोग मनाते हैं, जो बहुत ही हमारे लिए है। क्योंकि ये ब्राह्मणों के विप्र बंधुओं के बहुत बड़े तस्कर है, क्योंकि ब्राह्मणों पर जब जब संकट आए ब्राह्मण ने कभी किसी का आनंद नहीं किया। जो आज के मूर्ख लोग कहते हैं, मैं मूर्ख ही कहूँगा कि ब्राह्मण जो है जातिवादी है या मनुवादी है, ये दुष्टों को समझाना चाहता हूँ कि ब्राह्मण कभी मनुवादी नहीं रहा, न ब्राह्मण कभी किसी जातिवादी का रहा। यदि ब्राह्मण जातिवादी होता तो आज भगवान राम को नहीं पूछता। हम किसको पूछते हैं, परशुराम जी को पूछते, सबसे ज्यादा उनको पूछते, वो कौन थे, क्षत्रिय थे। ब्राह्मण का वध किया क्यों किया,
ब्राह्मण का विरोध क्यों करते हैं ब्राह्मण? क्योंकि उसने अन्याय किया। ब्राह्मण हमेशा अन्याय के खिलाफ रहा है। जाति से इसका कोई संबंध नहीं है। मैं उन बूढ़ों को यह भी पूछना चाहता हूँ कि आज जितनी जमीन जायदाद तो जितने हमारे पूर्वजों ने दिया उसे वापस ही कर दो। आधा आरक्षण तुम लोग प्राप्त कर रहे हो तो किसका कर रहे हो, किसका खा रहे हो? आपसे कुछ ज्यादा जाता नहीं, इनकम टैक्स तो हम ही लोग देते हैं। सबसे ज्यादा हाई कास्ट का ही विक्रम जाता है। इनकम टैक्स बताओ किसका जाता है?